देखिए कम वोट ज़्यादा वोट की बात नहीं है मोदी जी को अट्ठारह को आ रहे हैं तो बनारस में बड़े कारखाने कल कारखाने की ज़रूरत है फैक्ट्री की ज़रूरत है शिवापुरी में आकर उनको घोषणा करना चाहिए कि जो बड़े बड़े कारखाने महाराष्ट्र से गुजरात ले गए उसमें से कोई एक आध दो बड़ा कारखाना सेवापुरी और रोहनिया में भी लगे ताकि वहाँ के जो बच्चे हमारे हैं हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं उनको वहाँ नौकरी मिले काम मिले हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि गुजरातियों को ला सारा काम दे रखा है आपने सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं यहाँ पर अमूल से लेकर गंगा जी में क्रूज से लेकर बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर से लेकर सारा काम आपने गुजरात को स्मार्ट सिटी कौन काम कर रहा है सब गुजराती काम कर रहे हैं तो सब गुजरात के लोगों को दे रखा है यहाँ के लोग क्या करेंगे क्यों लोट लेकर और आप प्रधानमंत्री फिर बन गए तीसरी बार पर बनारस को क्या मिला बनारस के कै बच्चों को रोजगार मिला कै बच्चों को काम मिला आप देख सकते हो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आ रहे हैं अट्ठारह तारीख को तो बड़े किसी बड़ी कर, बड़े कार बड़े कारखाने को लेकर आएँ इसकी घोषणा करें कि वो सेवापुरी में वो सेवापुरी के अंदर यहाँ लगेगा हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी लाखों लोगों को ये घोषणा के प्रधानमंत्री जी करें केवल बड़ी बड़ी बातें किसान को जोड़ना और केवल बनारस के लोगों को बनारस अरे भाई तो पूरे देश के लिए है कि बनारस के लिए बीस हजार करोड़ थोड़ी है पूरे देश के लिए किया है ना बनारस के लिए अपने बड़ा कार्य काम कीजिए ना केवल चाय पान का दुकान पूछ लेंगे कहाँ हलचाल बा चाय पान ठीक चलत बा चाय पान तो बनारस का हमारी चलन है वो तो कभी नहीं बंद होगा पर बनारस में मोदी से इतना ही कहेंगे कि बड़ा कारखाना लाइए और जो गुजरातीकरण आपने कर रखा है उसको बंद करिए हमारे भाइयों को हमारे बनारस के जो बेटे हैं उनको काम मिलना चाहिए ये काशी की जनता चाहती है काशी की जनता बार बार केवल आप बड़ी बड़ी चीज़ें जो घुमा कर दे रहे हैं उससे काशी की जनता उब चुकी है काशी ने जनता के लोगों ने जवाब भी दिया है आप लाख की पाँच लाख की जीत डेढ़ लाख पे खड़ा कर दिया ये नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है